मेरे पास डीआरओ वहाँ आए, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। डीआरओ से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे आईएसआई के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो डीआरओ वापिस आते मियां खान गुफ्ती के साथ, रात को 4 बजे एफसी के कर्नल का मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे डीआरओ वापिस आके, मैं खुल के कहता हूँ मुझे जो भी सजा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मैं इमरान खान के नजरिए के मुताबिक किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूँ, मैं डट के मुकाबला करूंगा। अगर ये समझते हैं कि आईएसआई ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है या किसी एफसी के मेजर ने इसको मैनेज करना है तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दें, ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दें, ये जो आरओ और डीआरओ पर बिठाए हुए थे इन्हें हटा दे, खत्म कर दें, इनकी नौकरियां भी इनको हटा दे, आप लोग सब कुछ संभाले, टाउन कमेटी भी आप संभाले। आपको पता है मेरे हल्के में सिपी में जो डिवीजन है वहाँ खुदा पाक की कसम हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि मुहाफिज, वो मुहाफिज बर्फ के कारखाने चलाते हैं, बलोचिस्तान में ये बर्फ भी प्रोक कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह बिजनेस करने वाले इस मुल्क को दिफा देंगे या इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करेंगे? तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि हम इदारे के खिलाफ है, ये एक पॉलिसी है जो चंद अपराध लेके चल रहे हैं, बाकी इदारे हैं हमारे ही लोग बल्कि मेरे इलाके से भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है। लेकिन एक बात हम आपसे अपील करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है ना, ये हमारा जाती मैंडेट नहीं है, ये कौम का मैंडेट है। ये कौम ने इसलिए दिया था कि गेदी 804 को रिहाई मिले और इस मुल्क में जो सियासी अदब इस्तेकाम है इसको खत्म करके सियासी इस्तेकाम मिले, तो इसके लिए हमने सर दर जन जान सब की बाजी लगा ली है। जिस तरह शख्स बैठा हुआ है, असद बैठा हुआ है, तो हमने इन चीजों से डरना नहीं है। मेरे सीनियर यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ जज्बाती हूँ, जज्बाती किस वजह से हूँ कि हम जले हुए हैं, हमें अंदर से आप देखेंगे ना, अब भी आप हमें सबूत करेंगे कि इतनी ज्यादतियां होने के बावजूद आप फूल अफला की बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है, हमारे पास हेल्थ का कोई निजाम नहीं है, बाकी जो हमारे अकूल के रियलिटी के मुताबिक वो हमें नहीं मिलते हैं। सुई दे रुटी की मिसाल में हर जगह पे देता हूँ, वहां से गैस निकल रही है, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बलोचिस्तान को और बलोचिस्तान की माओ बहनों को ये गैस नहीं मिल रही। खुदारा एक पाकिस्तान एक दस्तूर, एक पाकिस्तान दो दस्तूर हम तस्लीम नहीं करेंगे। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए इंसाफ के मैंडेट पर जिस तरीके से डाका डाला गया उससे कई हद ज्यादा तक बलोचिस्तान में डाका डाला गया। मैं नेशनल फितरी का उम्मीदवार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ने एतमाद किया मेरे ऊपर, मुझे टिकट जारी किया, तो मैंने वहाँ जो मेरा हल्का था वहाँ मुकम्मल कम्पेन भी की। कम्पेन के दौरान मुझे सरकारी लेटर्स आ रहे थे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कि आपने कम्पेन नहीं कर रही है, आपके ऊपर सदाम तरह आपके ऊपर खुदकश हमले का खतरा है, तो मैंने तवक्कल किया अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलते हुए कम्पेन भी चलाई। वहाँ हमारे ऊपर एक हमला भी हुआ जिसमें हमारे 4 साथी शहीद हुए और इलेक्शन के दिन भी हमारे 2 साथी शहीद हुए, तो इन्होंने हमारे शहीदों के खून को भी नहीं बख्शा। पहले 3 दिन हमारे नतायज रोक रखे, सबको पता है, मैं सोशल मीडिया पे इस चीज की बाकायदा क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ कि वो कौन थे जो हमारे मैंडेट पे डाका डाल रहे हैं। हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है, कोई भी मीडिया की बरादरी अगर ये चाहती है कि हम उन्हें फॉर्म 45 दिखाए वो भी दिखाएंगे, लेकिन हम अपने मैंडेट पे जिन्होंने डाका डाला है ना उनके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम अपने जान को हथेली पे रखे रूल ऑफ लॉ के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए, अपने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए, अपने लीडर के विजन के मुताबिक उसके गोल के लिए किसी भी कुर्बानी से कोई दरियाफ्त नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में अमनो अमान होना चाहिए या कोई ये समझता है कि हम मुहिम वतन है, तो ये रवैया कोई मुहिम वतनी का नहीं है, ये रवैया सिर्फ और सिर्फ गद्दारी का है। डोनाल्ड टू के कहने पे आपने रात के 12 बजे अदालतें खुलवा के जिस तरह हमारे लीडर को हुकूमत से निकाला, जिस तरह हमारे पार्टी को हुकूमत से निकाला, आपको ये लगता था कि हुकूमत से निकालने के बाद जो हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हमारे तंजीम के हौसले पस्त होंगे या इस मुल्क के वो नौजवान जो इमरान खान के साथ है उनके हौसले पस्त होंगे, तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख भी हम जानते हैं, अपने इस्लाम की तारीख को भी हम जानते हैं, हम 313 थे तब भी हमने कुफार को शिकस्त दी है, आज भी हम बताना चाहते हैं कि आज हम 313 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो, सब के सब टोटली इमरान खान के साथ है। मेरे हल्के में दांडी देखे किस किस्म की दांडी की गई है, 10 तारीख को फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट मियां खान गुफ्ती उसको 46,000 शो किया जाता है। 17 तारीख को दोबारा मेरा फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट को 51,000 शो किया जाता है। 18 तारीख को फॉर्म 49 जारी किया जाता है जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 45,400 कुछ वोट शो किया जाता है।
कोई तरीका होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो कोई नकल में पकड़ा जाता था तो उस्ताद कहता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है, तो इनके पास वो अकल भी नहीं है, ये डफर से। बावजूद वहाँ टर्नआउट कितना हुआ है, 90%, 95% इन 46 पोलिंग में 49,000 मियां खान भुट्टी को डाले गए। मियां खान भुट्टी कौन है? मियां खान भुट्टी के ऊपर समान यूज की रिपोर्ट मौजूद है, मेरी नहीं है, मीडिया बरादरी की रिपोर्ट है कि ये कराची से जो गाड़ियां चोरी होती है ना, ये वहाँ बलोचिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है। और इसके लिंक किसके साथ है? इसके लिंक NLC के साथ है। NLC कौन इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है। हम इस मुल्क में कोई खून खराबा नहीं चाहते ना, हम सिर्फ और सिर्फ शोक बयाने के साथ आपके सामने खड़े होंगे। अगर आप तलवार दिखाएंगे ना तो हम जुबान की तलवार दिखाएंगे, अगर आप जबर करेंगे ना हम तो जुबान से आपका मुकाबला करेंगे। जो आर्टिकल 19 है जिसके मुताबिक हमें ये राइट हासिल है कि हम अपनी हकूक की बात करें, जमहूरी अंदाज में हम अपनी जदोजहद करें। मेरी बात कोई गैर आईनी मैंने बात की हो तो उस पर मैं माजुरत चाहता हूँ। बाकी